नमस्कार, जय हिंद। अभी हम लोग दशहरा का अष्टमी आज है और हम लोग आज निकले हैं घूमने। ये हम हैं और ये है ऋतु सर और ये है हम लोगों का बाइक बुलेट। और वहाँ पे देखिए, यहाँ पे पीछे से हमारे कुछ दोस्त आ रहे हैं वहाँ पे। अभी हम लोग जस्ट पुलिस लाइन से निकले हैं, तो चलिए जहाँ जहाँ घूमेंगे वहाँ वहाँ हम दिखाते चलेंगे कहाँ पे कैसी प्रतिमा बनी है माँ दुर्गा की। ठीक है, बढ़ते हैं। और अब भाई हम लोग पहुँचे हैं बांसघाट काली मंदिर के पास में। ऐसा माना जाता है कि बिहार का सबसे पहला एयर कंडीशन वाला है, मतलब एसी, फुल्ली एसी वाला मंदिर यही है। आप देख सकते हैं काली माँ के मंदिर, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा यहाँ रुकने के लिए। आ गए, आइए। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं बोरिंग रोड की तरफ। और ये अभी हम लोग बोरिंग रोड के रिलायंस ट्रेड के पास आए हैं। देख लीजिए, हम भी हम लोग को कुछ थोड़ा सा शॉपिंग करना है, मतलब एक जीन्स लेना है। अभी तो रोगा लोग हैं हमारे भी साथ, तैयारी करते रहे हैं। एक जीन्स लेना है, अभी देखते हैं जीन्स लेकर और कैसा जीन्स मिल रहा है। रिलायंस ट्रेड में है, हम लोग देख लेते हैं। ठीक, देखिए भावी दरोगा है हमारे, पंकज सिंह। जय हिंद बोलिए, जय हिंद बोलिए, जय हिंद। और ये हमारे और ये एक और भावी दरोगा है, इनका नाम है प्रवीण राज। जय हिंद दोस्तों, शर्माते हैं बहुत ज़्यादा। नहीं शर्माना क्या। ठीक है, तो देखते हैं अभी आगे बढ़ते हैं जीन्स। तो देखिए सबको सूचित करेंगे कि आशीष सर यहाँ पर जीन्स लिए हैं एक ठो। ये देखिए जीन्स, कमेंट में बोल दीजिएगा, बता दीजिएगा। अभी हम खरीदवाए सर को, पैसा हमसे लिया है उधार। उधार नहीं ले सर, तो बोल रहा है सर उधार नहीं लेते ले। और हम लोगों का, मतलब मेरा जीन्स खरीदा गया है और हम लोग अब रिलायंस ट्रेड से निकल चुके हैं। अब यहाँ से सीधा हम लोग जाएंगे बोरिंग रोड चौराहा। बोरिंग रोड चौराहा, ये हम लोगों की बाइक लगी हुई है वहाँ पे। थोड़ा सा माँ से हम लोग आशीर्वाद लेंगे, देखते हैं हम लोग पे कितना आशीर्वाद बना हुआ रहता है। ठीक है, चलिए मिलाते हैं। और अभी हम लोग पहुँचे हैं पटना के बोरिंग कैनाल रोड में, पंचमुखी के पास में। अभी हम लोग पंचमुखी देखेंगे, तो दर्शन करते चलिए। ये बजरंगबली की मूर्ति है, पांच मुख वाली प्रतिमा। और हम लोग आगे बढ़ते हुए अब बोरिंग रोड चौराहा पे रुक गए क्या। और अब हम लोग धीरे धीरे बोरिंग रोड चौराहा के पास पहुंच गए हैं। थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा है, चूँकि आज अष्टमी है तो सभी लोग माँ के दर्शन के लिए बाहर आए हैं। थोड़ी भीड़ ज़्यादा है इसलिए हम लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और अब देखिए हम लोग बोरिंग रोड चौराहा पे माँ के दर्शन करने वाले हैं। और ये बोरिंग रोड चौराहा पे माँ दुर्गा की प्रतिमा। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और बोरिंग रोड में एन कॉलेज की तरफ मुड़ेंगे। ये पटना हाई कोर्ट की तरफ रास्ता जाता है, ये हड़ताली मोड़ की तरफ और ये एन कॉलेज की तरफ। और ये अभी हम लोग पंचमुखी के सामने जो रोड आता है वहीं पे बहुत भव्य पंडाल बना हुआ है आनंदपुरी में। और उधर देखिए बहुत सारे कार्टून भी बने हुए हैं।
और काफी अच्छा दृश्य है यहाँ का, आनंदपुरी का काफी क्राउड भी है, भीड़ भी है। और अब हम लोग एन कॉलेज के पास जो माँ दुर्गा की प्रतिमा बनी हुई है वहाँ पे जस्ट पहुँचने वाले हैं। थोड़ा तनिका धीरे करिए हो गाड़ी। देखिए अब हम लोग एन कॉलेज के पास माँ दुर्गा की प्रतिमा है। ओम जय गंगा दुर्गा दुर्गा नमः ब्राह्मणा तव जगा किराया। कॉलेज के पास माँ दुर्गा की प्रतिमा बनी हुई है। अभी 2019 के बाद 2021 में हम लोग को दुर्गा पूजा घूमने का मौका मिला है। पूरे दो साल बाद जगमगाहट है। ये लोग कहाँ गए? और ये कॉलेज है, इसी में हमारा इन्फोर्समेंट दरोगा का एग्ज़ाम था जिसमें हम पास नहीं हो पाए हैं। और आप लोग से आग्रह है कि जितने भी लोग पास हुए हैं वो कृपया करके दौड़ने नहीं जाएंगे। जो दरोगा अभ्यर्थी हैं, जो इनका दरोगा क्लियर हो गया है, अभी हम लोग एन कॉलेज के सामने ही हैं, तो उन लोगों को मदद मिल जाएगा। थोड़ा सा बेरोज़गारी भी बिहार से दूर हो जाएगी 212 लोगों की। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। और अभी हम लोग पाटलिपुत्रा मोड़ के पास पहुँचे हैं। रितु, अरे इधर चलना है, पाटलिपुत्रा मोड़ के पास पहुँचना है। और यहाँ से धीरे धीरे हम लोग इधर पेंडे मॉल की तरफ बढ़ रहे हैं, पेंडे मॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। और आगे भी जितनी माँ दुर्गा की प्रतिमा है तो उन सबको आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया जाएगा। आगे एक जगह चाय भी बड़ा फेमस है, कूलर चाय मिलता है। तो देखते हैं अभी लगा हुआ है कि नहीं, वहाँ चाय भी हम लोग चुस्की के साथ एंजॉय लेंगे। ठीक है, देखते हैं। और अभी हम लोग IIT चौक के पास पहुँचे हैं। यहाँ पे सामने में IIT कॉलेज है और थोड़ा बगल में पॉलिटेक्निक कॉलेज भी है जस्ट थोड़े से साइड में। यहाँ पे भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा है इसलिए हम लोग को यहाँ से पार करने में शायद 5 से 10 मिनट लग जाए। तो आप देखते चलिए। यहाँ पे हल्दीराम भुजिया वाला एकदम बिल्कुल स्वादिष्ट और नाश्ते की व्यवस्था होती है यहाँ पे, मिठाई वगैरह भी अच्छा मिलता है। हालांकि लेकिन हम लोग नाश्ता करते नहीं हैं क्योंकि पैसा का कमी है अभी। हाँ, हम लोग के पास थोड़ा अभी पैसा की कमी है इसलिए अभी इसमें हम लोग नहीं जाएंगे, उतने पैसे वाले तो नहीं है। ये देखिए हमारे दो दोस्त आगे जा रहे हैं और ये हम दोनों दोस्त हैं। हम लोग IIT चौक के पास आए हैं और यहाँ पे और अब हम लोग धीरे धीरे पेंडे मॉल की तरफ जाएंगे। अगली बार से शायद हम लोगों की भी ड्यूटी ऐसे ही कोई चौक चौराहे पे लगी हुई रहेगी। और कौन गेम आगे चलो। अरे क्रिकेट वाला, अरे आगे से मोड़ेंगे।
खेलने के लिए बोल रहा है। पीएनडे मॉल के पास पहुंच गए हैं, देखते हैं भाई कौन सा गेम है। वो शायद मशीन बॉल फेंकता है और बैट से मारा जाता है, वही वाला गेम है। ठीक है, पीएनडे मॉल के पास हम लोग पहुँच गए हैं, रिकॉर्डिंग करना मजा आ। चलिए चलिए देखते हैं। और ये हम लोग का बाइक यहाँ पे पास हो गया, उधर दोस्त लोग अभी घुमा रहे हैं बाइक को। अब हम यहाँ पे देखेंगे रितु सर का बैटिंग। रितु सर आए हैं बैटिंग करने के लिए। ये देखिए, ये सीने पॉलिसी एमबीबी बिग बाजार। और यहाँ पे देखिए वाइड बॉल, पहला बॉल वाइड रितु सर के लिए, पहला बॉल वाइड था। एक बॉल पार हो गया है, कुछ नहीं लगा, फिर से वाइड, कुछ नहीं लग रहा है, ऐसे ही बॉल पार कर जा रहा है। वाह, ग्रेट शॉट, वेल डन वेल डन। फिर से पार बॉल, देख रहे हैं एक भी बॉल नहीं लग रहा है, बस एक बॉल अभी तक लगा है। क्या देश का ये लोग नाम रोशन करेगा, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अब लेफ्टी आ गए, ऐसे राइट से तो लग नहीं रहा है, लेफ्ट से और क्या लगेगा। पूरा ओवर चाटते हुए रितु जी यहाँ पे पूरा ओवर चाट रहे हैं। हाँ, ये शॉट ठीक था, वाह वाह वाह, बढ़िया शॉट। इनको अब धीरे बॉल फेंका जा रहा है। ताकि मार सके, बच गए बोल्ड होने से। वेल डन वेल डन वेल डन, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया शॉट। ये अभी हम लोग पाटलिपुत्रा के पास आए हैं, यहाँ पे कुल्हड़ चाय बहुत ज़बरदस्त मिलता है। रितु जी थोड़ा आगे आ जाइए, दिखा जाइए थोड़ा भैया को, देख लीजिए भैया कितना ज़बरदस्त, इसमें चीनी डाले हैं, चीनी डालने पर आग लग गया है, यहाँ देखिए एकदम से कुल्हड़ चाय ज़बरदस्त लगता है। ये हमारे रितु सर हैं, और वो उधर वो लोग हैं, और ये इधर देखिए, और इधर हम भी हैं, पीछे से हम भी आ जाते हैं। देखिए बहुत ज़बरदस्त यहाँ का चाय है, आप लोग भी आकर एंजॉय कर सकते हैं, चुस्की ले सकते हैं पाटलिपुत्रा के पास में। चाय का रेट क्या है? 10-15-25, तीन वैरायटी में आते हैं, 10-15-25, तो आपको जो आपके अनुसार सूटेबल लगे वो पी सकते हैं। ठीक है, और अभी हम लोग हड़ताली मोड़ के पास पहुँचने वाले हैं, और ये हड़ताली मोड़ का नज़ारा है। ताली मोड़ के पास का नजारा है,
और ये यहाँ पे है सरदार पटेल भवन, जहाँ पे है हम लोगों का मेन ऑफिस है। दरोगा वाले को भी, सिपाही वाले का भी यहीं पे मेन ऑफिस है सरदार पटेल भवन के पास में। और अब हम लोग पहुँच चुके हैं फाइनली भी। जॉब लीजिए, जॉब लेने के बाद घूमने का मजा कुछ और ही होता है, बिल्कुल फ्री माइंडेड घूमिएगा। स्टार्ट। देखिए हमारे सर रितु सर दोनों दरोगा है, दोनों यहाँ पे मस्ती करते हुए आगे बढ़िया। चलिए चलिए आगे बढ़िए, घूमने यहाँ पे खूब एंजॉय करते हुए। पीछे से बैठ जाए क्या? बैठे हुए हैं वो लोग, खूब मस्ती करते हुए उन लोगों के साथ, हमको भी दशहरा का एंजॉय करते हुए मस्ती कर रहे हैं। पर ये यहाँ पे बेली रोड के, और हम लोग अभी रूपसपुर थाना के अंतर्गत पहुँचे हैं, दानापुर से जस्ट थोड़ा सा पहले। ये रूपसपुर के माँ दुर्गा की प्रतिमा आपको उस साइड से भी दिखाया जाएगा, अगर हम उस साइड में हम लोग आते हैं तो। और एक बार रूपसपुर के माँ की प्रतिमा का एक बार इस साइड से हम लोग दर्शन कर ले रहे हैं, उस साइड से नहीं दिखाई दे रहे कि माँ। ये रूपसपुर, सॉरी रुकनपुरा है, रुकनपुरा, रूपसपुर थोड़ा आगे है। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा भीड़ है क्योंकि ये एरिया थोड़ा फेमस है, इसलिए ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। तो अब हम लोग बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, और यहाँ पे ये डिशेस है यहाँ पे, जो कि वेज मंचूरियन, बटर नान, कढ़ाई पनीर, और ये है पनीर बटर मसाला। इतना आइटम है, ये तीन को भूखल लोग हैं जो कि खाएंगे, बहुत भूख लगा हुआ है इन लोगों को, बहुत जोड़ों की भूख लगी है घूमते घूमते, इन लोग भूखे मर रहा था। और उधर हम लोग क्रिकेट मैच का एंजॉय भी लेंगे, इधर ये लोग खाएंगे। हम लोग जस्ट खाना खाने के लिए बहुत भूख लगा हुआ है। ठीक है, खाना खाकर फिर आगे बात करते हैं।